सच्चे तो तेरो नहीं पुल तो तेरी कसम बेसाख बेसारे ओ नी नाजरीन आदाब आज को गुजरी प्रोग्राम ले गए जावेद राई थारी खिदमत में हाजिर है जिस तरह जे तम जाने के अपना इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ शख्सियात ना दावत देता रहा मुख्तलिफ दस्तावेजी फिल्म चलाता रहा और मुख्तलिफ शख्सियात के ऊपर गलबात करता रहा इसी सिलसिला ना आगे बताता हुआ आज हमारा स्टूडियो में तशरीफ़ रखे लगा हुआ एक नामवर वकील पुंछ के नाल उन्हों ताल्लुक़ है लेकिन जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में जड़ा है वे प्रैक्टिस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत बड़ो ना है वे तशरीफ़ रखने लगा हुआ मेरी मुराद है जनाब खालिद पट्टी साहब तरू खालिद साहब थारो इस्तकबाल है हमारा इस प्रोग्राम में तम हमेशा ही जद भी कोई इस प्रोग्राम में हम लीगल गल करा तो तमना दावत दें और इस सिलसिला ना आगे बताता हाँ अज जानकारी यह हासिल करनी है हमारा नाजरीन वस्ते है सामीन वस्ते है कि लीगल सर्विस सिस्टम यू के है जी कि एक आम ट्राइबल ना अगर समझाणो वे कि यो लीगल सर्विस फ्री लीगल सर्विस के वे या यो किस तरह शुरू हो कोई इसका बारे में तम जानकारी जड़ी है वह भी उतना ही जिस तरह के एक आम गुजर जड़ो है उसना नहीं पतो कि भाई इसमें उनके आन आलो अगे इसी तरह ऊँ भी एक उतनी जानकारी रखूँ कि भाई इस लीगल सर्विस का बारा में के थारा को जानकारी है जड़ी तम मेरा तोड़ी भी और नाजरीन तोड़ी भी पहुँचावे थारो शुक्रिया अदा करता हूँ जी जी अर्जिया करूँ कि जम्मू कश्मीर में जी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक कानूनी हैसियत हासिल है उसना जी जी और एक स्टेट लेजिस्लेचर ने एक एक्ट पास की हो जिसके तहत फ्री लीगल सर्विस हाँ। मतलब मुफ्त कानूनी इमदाद उन लोगों ना के जिन ना सर्विस नहीं मिल रही इस वजह ते कि उन कोले पैसा नहीं कंपीटेंट सर्विस जेड़ी है फ्री और कंपीटेंट सर्विस उन्ना अवेलेबल इस गलों ने कि वे अदालत में वे लवाजमात वे अखराजात नहीं कर सकता उस वास्ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहला एक स्कीम लॉन्च की और एक एक्ट पार्लियामेंट ने पास की और वो जम्मू कश्मीर में भी एक नमो एक्ट आए और उसके तहत जम्मू कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट की गई जी जी जी, जी। उस अथॉरिटी को स्टेट में स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी उसने की हो जाए उसको जो हेड है वो चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर वह एक एग्जीक्यूटिव चेयरमैन वह जो सीनियर मोस्ट जज ने बनाया जाए जी जी सीनियर मोस्ट हाई कोर्ट जज उससे तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है तहसील लीगल सर्विस अथॉरिटी है और वह अथॉरिटी जेड़ी है वे जेड़ा पेंडिंग केस ही उन्ना में कंसीडर कर सकें अच्छा जेड़ा पेंडिंग केस ही पार्टियां ना बुला गया उनके नाल कंसिलिएशन गलबात जिस तरह हमारी कचहरी वह उस तरह बहस गए कचहरी में यू है कि तुम फैसलो थोप सकें पार्टी पर ईत दुआ ना समझा बुझा गए एक फैसला वर आ गए जित वे दुए मुतफिक हो जी, जी, जी वो फैसलो की हो जाए तो या जड़ी फ्री लीगल एड है या हमारा जम्मू कश्मीर में हासिल है बच्चा ना औरतान ना अच्छा। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब तबका ना अच्छा जेड़ा जहनी तौर पर बीमार लोग ही उनना और मजदूर लोग ही जड़ा उनना और इसे तरह जड़ा अनऑर्गनाइज्ड वर्कर हैं जड़ा कि रजिस्टर्ड लोग नहीं वर्कर इस तरह का काम करने वाला है उन लोगों ना और वे एक दरख्वास्त देगा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस सेक्रेटरी को है या कौन है वो एक डिस्ट्रिक्ट में चेयरमैन वे सेशन जज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो चेयरमैन है जिन जिनमें दो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हैं तो उसमें प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है तो उत सेक्रेटरी रखियो जाए जो कोई सीनियर मोस्ट मुनसिब है अच्छा उसना सेक्रेटरी रखियो जाए उसको वो एप्लीकेशन दे कि मिना या सर्विस फ्री चाहिए तो पैनल वर वकील मौजूद भी जेड़ा पार्टी गल सुनेगा लेकिन वह जी एप्लीकेशन जाएगी सेक्रेटरी को है वो उसने कंसीडर करा एप्लीकेशन सिंपल एक देनी है कागज पर और उसके नाल एक एफिडेविट लाना अच्छा उसमें कि भाई इसके नाल जेड़ी कंडीशन है कि इस तबका नाला इस पोजीशन में अफोर्ड नहीं कर सकते वकील हायर करूँ
तो फिर लीगल सर्विस डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी या तहसील लीगल सर्विस अथॉरिटी उसना वकील देगी जी जी और उसको केस डिफेंड वैगो और उस केस ना डिफेंड करन मा उसना लीगल एडवाइस देनू प्लांट फाइल करनी केस दायर करनू गवाह वास्ते खर्चा देना अच्छा अच्छा कोर्ट फीस का खर्चा देना वकील ना फीस मुकर्रर है कि उसना फीस दी जाएगी तो इस तरह की सारी सहूलियत जड़ी वे अथॉरिटी दी मतलब बगैर कास्ट के बगैर कास्ट के वो सारी मतलब ये जो मुंशी को काम है ये दरखास्त लिखनी है उन जी वो कोर्ट इस सब का पैसा जड़ी है अथॉरिटी देगी अथॉरिटी देगी जी जी अच्छा अच्छा कौन आदमी जड़ो है वो इस वक्त एलिजिबल है मतलब ट्राइबल है मिसाल के तौर पर शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट उसमें लोग मुलाजम भी हैं दूसरा भी हैं तो नहीं उसमें एक इनकम क्राइटेरिया है अच्छा इनकम क्राइटेरिया इनकम क्राइटेरियो जो है वो अगर हाई कोर्ट में अपनी केस करना है तो जिस आदमी की इनकम 1,00,000 रुपये हुआ है हाँ मंथली नहीं ईयरली ईयरली तो मंथली में तो फिर तम भी लैंड लग जाएगा तो अच्छा ईयरली जिसकी 1,00,000 है और सुप्रीम कोर्ट में 1,25,000 रुपये हो 1,25,000 रुपये अच्छा अच्छा तो इस तरह जड़ी में पहला कंडीशन था उन्होंने दसी वे उसमें कौन दे जी इसकी सर्टिफिकेट इनकम की तहसीलदार हाँ रेवेन्यू एजेंसीज वे देंगी कि इस आदमी की जड़ी इनकम है इतनी ज्यादा इस पर स्क्रूटनी की भी जरूरत नहीं होती अच्छा कोई रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी अगर यह सर्टिफाई कर दे कि वो आदमी गरीब है और वो जो सेक्रेटरी है लीगल सर्विस अथॉरिटी को वो भी वेरीफाई कर सके वो इंक्वायरी कर सके कि भाई हां वाकई जेन्युइन है या कोई फ्रॉड कर रहे है ठीक है बहरहाल इसको बड़ो लॉडेबल ऑब्जेक्टिव है अच्छा इस नाल जनाब एक फर्दर इसकी एक्सटेंशन लोक अदालत है अच्छा 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 हमारा जुडिशियल